हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए, जहां पे महादेव ने विश ग्रहण किया था। ये ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस रास्ते को कैसे एंजॉय करते हुए नीलकंठ तक जा सकते हैं, आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नीलकंठ जाते हुए आपको रास्ते में कई सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप इंजॉय करते हुए पूरा नीलकंठ जा सकते हैं। ये है नीर वाटरफॉल का रास्ता, यहाँ से आप नीर वाटरफॉल जा सकते हैं। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको नीर वाटरफॉल मिल जाएगा। अभी हम ब्रह्मपुरी में, अगर आपको सेफ रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप ब्रह्मपुरी से कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल सेफ है रिवर राफ्टिंग करना। व्यू देख सकते हैं आप कितना सुंदर है, नीचे राफ्टिंग भी चल रही है। गंगा जी की लहरों की इतनी तेज आवाज है कि हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। अब आने वाला है कालीकुंड वाटरफॉल। ये वाटरफॉल आपको रोड पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे है कालीकुंड झरना, ये है कालीकुंड झरना, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी लगभग 2 किलोमीटर पहले खड़ी करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की है। यहाँ से नीलकंठ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप झिलमिल गुफा जाना चाहते हैं तो यहाँ से राइट साइड में, पार्वती मंदिर भी राइट साइड में और नीलकंठ महादेव मंदिर बिल्कुल सीधा है। और नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए आपको बिल्कुल सीधा जाना होगा। यहाँ से आगे आप कोई भी वाहन नहीं लेके जा सकते, यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना होगा। हमारे सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। यहाँ के देखिए खेत कुछ इस तरह के हैं, पहाड़ों पे ऐसे ही खेत होते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारी आपको धर्मशालाएं, होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। हमारे सामने कैथल वालों की धर्मशाला, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। आगे और भी कई सारी धर्मशालाएं और होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। नीलकंठ मंदिर से प्रसाद की शॉप 1 से 1.5 किलोमीटर पहले देखने को मिल जाएंगी, आप चाहें तो कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। यह नीलकंठ मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से आपको एंट्री करनी है। आओ। ये 50, ठीक है, ये 100 रुपए का है, ये 200 रुपए का है, ये 150 वाले है, ये 250 रुपए वाले। हमने प्रसाद ले लिया है, आइए दर्शन के लिए चलते हैं। हम जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से। हम जा रहे हैं गेट नंबर 3 से। जय जयकार, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार।
यहाँ पे देखिए पूरा समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है कि कैसे समुद्र मंथन किया गया था। यहाँ पे आपको सामान की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाऊंगी। यहाँ पे आप परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज की समाधि के दर्शन कर सकते हैं जो इस नीलकंठ मंदिर के प्रथम पुजारी थे। अगर आपको कोई मन्नत मांगनी है तो यहाँ पे आप धागा बांध के मन्नत मांग सकते हैं। मंदिर के अंदर आप कहीं भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं लगा सकते, बस किसी स्थान पे आप धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हैं। यहाँ पे आप स्नान करके अंदर मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये है हवन कुंड। यमकेश्वर मंदिर यहाँ से 29 किलोमीटर, शत्रुघ्न मंदिर 38, ज्वालपा देवी मंदिर 123 किलोमीटर। सर एक बार ये देखिए आप जैसे भी आदे, सुनो भाई साहब प्लीज, महादेव के दरबार में आ रखे हैं, विचार करेगा तो ले लेना, नहीं विचार बनेगा तो कोई बात नहीं है। एक मंदिर का ये खास चीज देख लीजिए सर जी, दिल करेगा तो कह देना पंडित जी दे दो, नहीं कोई बात नहीं है। इसमें देखिए सर जी राइट वाले हाथ में क्या है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए सर जी, धूप बहुत पड़ रही है, आ जाइए सर जी जैसे भी आ गए। दिल करेगा तो ले लेना, नहीं दिल करेगा तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। इसमें गौर से देखना साहब, इसके अंदर में सोना चांदी तांबा सीसा जस्ता और पारा लगा के इसमें नारायण विष्णु शंख है। जब समुद्र का मंथन हुआ था, बैठ जाइए गुड़िया, तभी निकला था नारायण शंख। एक लक्ष्मी माता उल्लू के सवारी में आती जो आपको चकमा दे के जाती है, बट जो नारायण के साथ में आती तो घर में बरकत और खुशहाली लाती है। इसके अंदर में ये पारा है, ये महादेव का स्वरूप है जो सर्व कष्ट को हर लेता है, अकाल मित्र हारक होता है, शत्रु विजय नाशक होता है, कोई दुश्मन दोस्त बन के साजिश नहीं कर सकता। इसके अंदर में ये स्फटिक है जिसमें माता सरस्वती का वास होता है, याददाश्त को तेज रखता है, कभी बातों बातों में गुस्सा नहीं आता है, और इसमें शुद्ध काले घोड़े की नाल है, शनि देव का अनिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे पैसा आता रुकता नहीं, सोचते कुछ है होता कुछ है, और गंगा में जो बोट चलती है जिसकी औरत लोग पूजा करती, लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपका बिजनेस है, सर्विस है, कारोबार है, आप इसको केवल कनिष्ठा के उंगली में छोड़ के अगर 72 घंटे पहन लेंगे तो ये महादेव की वाणी है। आप कहोगे कि राजस्थान के पंडित जी मिले थे, कोई अच्छी चीज़ दी है, गलत चीज़ नहीं दी है। कभी अगर ये टूट जाए, ये मंदिर का मोहर लगा है, इसको आप कभी फेंकना नहीं, पुरानी अंगूठी जमा करके नई अंगूठी ले लीजिए, नई अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। ये सबसे कम कीमत की सर जी की हमारे ये 250 की है सर जी। इसमें एक डिजाइन ये है और एक डिजाइन ये है, इसमें गंगा जल और पारा लगा होता है, जय श्री राधे। और ये महामृत्युंजय विष्णु शंख में जो आपको मैं पहनाया हूँ, ये सर जी की हमारे 500 की है और एक 1100 की है, लेकिन 5 नहीं सर, भोले के नगरी में खड़े हैं, ये 5 लाखों का बरकत करके दिखाएगा। कहाँ के रहने वाले सर? लोकल। कहाँ के? ऋषिकेश। आप ऋषिकेश के? मैं तो सर जी राजस्थान चित्तौड़गढ़ के हैं, लेकिन राजस्थान से। जय श्री राधे। लेकिन अगर इसको 72 घंटे पहन लेंगे, महादेव के नगरी में खड़े हैं सर जी, कहोगे कि पंडित जी आपने बहुत अच्छी चीज़ दिया है। अगर आप यहीं के हैं तो आपका आना जाना तो लगता है, अगर आपको 11 दिन के अंदर में रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो ये सर जी आपको मैं भी कह रहा हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ आप हमारे, ब्राह्मण तो सर जी एक ब्राह्मण की बात को मान के चलिए, हिंदू राष्ट्र जरूर बनाइए, ये भी मैं कह रहा हूँ। और इसको ऐसे पहन के देखे सर जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार हारम सदा संतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमानी, जय हो नीलकंठ महादेव की जय हो।
और ये कितने की है? 500 की है, सबसे कम कीमत की बहन। लेकिन पांच नहीं, ये तो मंदिर बनाता है। जैसे आपका हंसमुख चेहरा है, भोले के दरबार में कभी भी आप आओगे बहन, कहोगे पंडित जी आपने बहुत अच्छी चीज दिया। ये जब ले जाते हैं अंगूठी 500, अंगूठी देखिए आप 1100, 7 चक्रा की अंगूठी लेके जाओगे सर जी। बस इस वाली उंगली में कहूँगा, आप मंगलवार के दिन जब स्नान करते हैं अपने ट्रैवल से, अपना हाथ पैर जब पोछते हैं तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करें। आपकी वृश्चिक राशि है और स्वामी आपका मंगल है। और हमेशा सर जी अष्टदिन दिनोदित के दाता स्वर दिन जानकी माता, भगवान श्री राम जी ने भी नवीन जी सीता माँ के खोज में बजरंग बली के हाथ में अष्टमुद्रिका ही दिए थे, तभी सीता मैया ने चूड़ी उतार के दिया था। तो नवीन जी भोले के दरबार में कर्क राशि है, लेकिन नाम के अनुसार में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल है। जन्म के अनुसार से अगर कर्क राशि है तो स्वामी आपका चंद्रमा है। और सोमवार के दिन जब घर से निकलते हैं तो जैसे ये शीशा है तो अपना चेहरा देख के जरूर चलना, कहोगे कि राजस्थान के पंडित जी ने क्या बताया, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ सर जी। और 3 दिन के बाद सर जी ये 18 नंबर है, अगर आप फोन करेंगे तो जय श्री राधे, कहोगे पंडित जी बहुत मस्त दिया। बाकी सर जी आपसे बढ़ के पैसा नहीं, आप लोकल भोले के विश्वास पर एक पहन के देखे आप और मेरे को फोन करेंगे तो कहोगे पंडित जी बहुत मस्त दिया। ना जाने किस बात आपने क्या पहन रखा है, हमारे हाथ का भी पहना है, शुक्रमणि है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पैसे के लिए नहीं बता रहा हूँ सर जी, और खुले दिल से नवीन जी अपना नाम लिख दीजिए आप। एक बात बताएं बहन, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी जहाँ जाइए कंचन मरसे में, ये ब्राह्मण की है। हमारे साहब आएंगे तो हाथ में मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, कहोगे पंडित जी आपने बहुत अच्छी चीज दिया है। और ये 5 नहीं सर जी, 5 लाखों का बरकत करके दिखाएगा नवीन जी। ये हमारा फर्स्ट नंबर है और जो आपको मैं बता दिया हूँ, नहीं मिला तो ये नंबर ये लगा के देखिएगा, नहीं मिलता है तो दुकान तोड़ना चली जाएगी यहाँ। अरे सर जी जय श्री, अगर नहीं मिलता है नंबर तो मैं अंगूठी फ्री दे दूंगा, पैसा आपको दे दूंगा, देख लो लगा के देख लो, रिकॉर्ड है कैमरे में, रिकॉर्ड है देख लो, फेस भी आ गया आपका। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, ढूंढ लेंगे कहीं से भी। जय श्री राधे, आपने जब मेरा ये रिकॉर्ड कर लिया तो मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज जरूर दूंगा। क्या बताओ, कभी कभी अपने भाई को याद करोगे कि हमारे पंडित जी मिले थे, ये मेरे कहने से ये रुद्राज का फल है, अपने कलाई में बांध लेना, जैसे कलेवा बांध रखे है, कभी आपको नजर नहीं लगेगी। जय श्री राधे, ये भी रिकॉर्ड कर दो कि पंडित जी ने क्या कहा है। अब दोबारा बोलो, इसको अपने कलाई में बांध लेना, दिन सोमवार के दिन कभी आपको नजर नहीं लगेगी। अच्छा। और कभी भी आना तो पंडित जी से अपने मिल्क जरूर। नाम तो बता दीजिए अपना। हमारा नाम प्रमोद मिश्रा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, बोलो खाटू नरेश की जय। कल हमने वो अंगूठी खरीद ली है, 500 रुपए की पड़ी है हमें, वो देखते हैं कितना असर होता है उसका। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, हमें पता नहीं, बस हमने खरीद ली है। अभी हमें तयक्षा नीलकंठ में, यहाँ पे आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ। ये देखिए, ये नीलकंठ मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे लगे हुए हैं एवरग्रीन मूवीज़ के पोस्टर्स, यहाँ पे बैठ के आप अपना डिलीशियस फूड एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से भी आप व्यू ले सकते हैं। यहाँ से आपको सनराइज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये है रूफटॉप कैफे, यहाँ से आप 360 वैली भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है। इस रिजॉर्ट की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे की भी हमने अपनी गाड़ी पार्क, इस पार्किंग के 100 रुपये हैं। ये है सिद्धपीठ श्री गुरुड़ मंदिर,
आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसी के ऊपर है गरुड़ चट्टी झरना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।